ब्लैकबियर्ड का अगला मूव एग्जैक्टली क्या है, ऐसा क्या करने वाला है ब्लैकबियर्ड आने वाले टाइम पर, और किस वे में कोबी उसके काम आएगा, एंड क्यों ब्लैकबियर्ड ने हानको को ही टारगेट किया। इस वीडियो में मैं इन सब के बारे में बात करने वाला है। दिस इज़ अ थ्योरी वीडियो, ओरिजिनल थ्योरी वीडियो, एंड बड़ा मज़ेदार थ्योरी है ये, ठीक है। थ्योरी चालू करता है आफ्टर दिस ब्लैंड लेमेस इंट्रो, लेट्स बिगिन। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक कमाल का कॉमिक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत से ओरिजिनल मानवास फ्री में अवेलेबल है। ये वेबसाइट एकदम ऐड फ्री है, मतलब परेशान नहीं होगे तुम ऐड देख देख के। एंड मानवास की बात करें तो इतने क्लीन एंड ब्यूटीफुल आर्ट स्टाइल है इन मानवास का, एंड दुनिया भर के अलग अलग जॉनरा के मानवास अवेलेबल है यहाँ पर। इफ़ यू आस्क मी सम गुड मानवास जो तुम यहाँ से रीड कर सकते हो, देन आई रिकमेंड यू गाइज जोम्बी वर्ल्ड। दुनिया भर का एक्शन इस मानवा में, जोम्बीज एंड ऑल शिट, मज़ा आएगा रीड करोगे तो। एंड स्क्रीम क्वीन भी रीड कर सकते हो, हॉरर एंड कॉमेडी मानवा है ये। एंड अभी एक नया मानवा भी एयर हो रहा है जिसका नाम है द वियर वुल्फ सिस्टम, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। डिस्क्रिप्शन में सारे कॉमिक्स के लिंक मिल जाएंगे, डू चेक दिस आउट। इन अ वे तुम इस चैनल को सपोर्ट ही करोगे चेक करके, क्लिक करके लिंक्स पर। एंड हाँ, बिलीबिली कॉमिक्स का ऐप भी तुम डाउनलोड कर सकते हो थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद ज़रूर से देख लेना। ओके, सो सबको पता है कि चैप्टर 1059 में हमें पता चला है कि टीच ने हानकॉक एंड अमेजॉन लिली पे अटैक किया था, एंड फिर रेली गा के दोनों का कॉम्प्रो करा दिया। बट वाई हानकॉक, क्यों हानकॉक पे ही टीच ने अटैक किया? क्या टीच हानकॉक के फ्रूट के साथ कुछ करना चाहता है? क्या टीच हानकॉक के फ्रूट के लिए डेस्परेट था? अगर हाँ, तो फिर उसको तो अपना पूरा क्रू लेके जाना चाहिए था ना अमेजॉन लिली पे अटैक करने के लिए। सिर्फ दो दल्लों के साथ ही क्यों गया वो? सबको पता है राइट कि टीच का ड्रीम क्या है? राज करना है उसको पूरे दुनिया में। एंड क्या वो वन पीस को खोजना चाहता है? यस, बट हमने उससे एक बार भी वन पीस को खोजने के लिए कुछ करते हुए नहीं देखा है। टीच को ना ही हमने पोनेग्लिफ्स के पीछे जाते हुए देखा है अभी तक, और ना ही वो अपने कॉम्पिटिशन से वन पीस से रिलेटेड इन्फो चुराने की कोशिश कर रहा है। वो बस अपना नाम और इन्फ्लुएंस फैलाते हुए और न्यू वर्ल्ड में दुनिया भर के डल फ्रूट्स को चुराते हुए दिखा है। वैसे मुझे शायद से पता है कि क्यों टीच वन पीस को खोजने के लिए इतना पागल नहीं है, क्योंकि शायद से एक ऐसा तरीका है जिससे बिना वन पीस खोजे भी टीच दुनिया पर राज कर सकता है। वेल, राज का तो पता नहीं, बट पूरी दुनिया का सबसे नोटोरियस एंड सबसे डेंजरस आदमी बन सकता है, एंड शायद यही उसका ड्रीम है। चलो वापस से हानकॉक वाले टॉपिक पे आते हैं। क्यों टीच ने हानकॉक पे ही अटैक किया? मुझे जहाँ तक लगता है कि टीच हानकॉक उसके फ्रूट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए उस पर अटैक किया क्योंकि वो एक एक्स वारलॉर्ड है। हानकॉक इज़ दी ओनली एक्स वारलॉर्ड जिसे टीच टेक डाउन कर सकता था, एंड उसको हराने में उसको फ़ायदा भी अच्छा खासा होता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा? क्योंकि हानकॉक का एक्यूरेट लोकेशन टीच को पता था, हानकॉक को हराने से उसको एक स्ट्रॉन्ग डेल फ्रूट भी मिल जाता, एंड हानकॉक इज़ वीकर देन हिम टू। मीहॉक क्रोकोडाइल बग्गी अपना क्रॉस गिल्ड बना लिए हैं तो उन पर टीच अटैक नहीं कर सकता। डॉफी जेल में है, जिम्बे लॉ वानो में थे, वीविर का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है टीच को, मोरिया तो ऑलरेडी पिट चुका था, कुमा मारी चुआ में था, बची कौन? हानकॉक। इसलिए हानकॉक पे टीच ने अटैक किया। लेकिन लव, ऐसा क्यों? एक एक्स वारलॉर्ड पे ही क्यों अटैक करेगा टीच? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि टीच को हानकॉक उर्फ एक एक्स वारलॉर्ड को मार के एक ऐसा चीज़ मिलेगा जो कि उसके लिए स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट्स जितना ही इम्पॉर्टेंट है, फेम। फेम इज़ समथिंग जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीच के लिए। जितना ज़्यादा फेम होगा उतना ज़्यादा लोग एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट उससे डरेंगे। एग्जाम्पल है रॉजर। व्हाइट बेल्ट के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल था जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी, बट रॉजर, उसने कुछ ऐसा किया कि उसको व्हाइट बेल्ट से भी ज़्यादा फेम मिला, एंड फिर रॉजर से सब व्हाइट बेल्ट से भी ज़्यादा डरने लगे। सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना ही नहीं, ऐसे हरकतें करना भी इम्पॉर्टेंट है जिससे तुम दुनिया के नज़र में रहो। लेकिन इससे टीच का क्या फ़ायदा होगा? वेल, फेम बढ़ने से बढ़ता है इन्फ्लुएंस, एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस से ऑब्वियसली सब टीच से ज़्यादा डरने लगेंगे। अब ये फेम वाली चीज़ तुम्हें शायद स्टूपिड लग रही होगी, बट वीडियो ख़त्म होने तक वेट करो बस तुम। वैसे अगर फेम ही टीच को चाहिए तो फिर वो मरीन्स या फिर दूसरे योंकोस को क्यों टारगेट नहीं करता? क्योंकि ही इज़ नॉट स्टूपिड। टीच को पता है कि वो किसी दूसरे योंको पे गया तो वो पिट जाएगा, इसलिए वो वीक कैरेक्टर्स को टारगेट कर रहा है, ऐसे वीक कैरेक्टर्स जिसको हरा के उसको फ़ायदा भी होगा एंड फेम भी मिलेगा। बट 1059 में हमने जैसा देखा, टीच फेल हो गया, हानकॉक भी बच गई एंड उसका फ्रूट भी बच गया। तो अब टीच क्या करेगा? वॉट इज़ हिज नेक्स्ट मूव? वेल, टीच अब किसी और कैरेक्टर को टारगेट करेगा।
1059 के एंड में ही हमें यह भी पता चला है कि कोबी को टीच ने किडनैप कर लिया फॉर सम रीज़न। ये चीज़ बहुत अजीब है क्योंकि कोबी टीच के लिटरली किसी भी काम नहीं आएगा एक्सेप्ट वन, कोबी की हेल्प से टीच एक सर्टन कैरेक्टर को लूर कर सकता है। अब ये सर्टन कैरेक्टर अगर टीच के हाथों मर गया तो फिर मरीन्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट एज वेल एज पायरेट्स सब टीच से डरने लग जाएंगे एंड टीच की बाउंटी शायद वाइट बियर्ड रॉजर के लेवल की भी हो सकती है। दिस सर्टन कैरेक्टर इज नन अदर देन गार्प। गार्प मरीन्स का हीरो है एंड गार्प एक ऐसा मरीन है जिसको बाकी के मरीन्स एडमायर करते हैं। अकाइनू किज़ारू जैसे को साइड में रख दे तो सब गार्प को टॉप डॉग ऑफ द मरीन्स मानते हैं इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। टॉप डॉग मतलब कुत्ता वाला नहीं, ठीक है। गार्प इज अ कैरेक्टर जो पायरेट किंग के लेवल का था। अगर ऐसे कैरेक्टर को टीच ने मार दिया देन टीच से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होगा पूरे वन पीस वर्स में। लव तो चूतिया है क्या, टीच गार्प को कैसे हरा सकता है? गार्प तो हद स्ट्रॉन्ग है ना बुढ़ापे में भी। वेल यस, ऐसा हो भी सकता है कि गार्प अभी भी टीच से स्ट्रॉन्ग है, बट टीच इज नॉट स्टूपिड। ये पूरे वीडियो में मैं बोलते आ रहा है टीच बहुत इंटेलिजेंट है। गार्प को टारगेट करना टीच के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। कोबी का अभी के टाइम पर कोई भी सगा नहीं है, सबको पता है राइट, एक्सेप्ट गार्प। गार्प ने कोबी को ट्रेनिंग दिया है एंड वही एक है जो कोबी को बचा सकता है टीच से। एंड गार्प की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो अकेला ही जाएगा कोबी को बचाने ताकि वो बाकी मरीन्स को रिस्क में ना डाले। एंड वो मरीन्स का सपोर्ट चाहे तो भी उसको नहीं मिलने वाला सपोर्ट, क्योंकि पहली बात कि अब वो वाइस एडमिरल नहीं है एंड साथ ही में अभी जो फ्लीट एडमिरल है वो गार्प की झांट इज्जत नहीं करता एंड ही इज़ नॉट समवन जो गार्प को वॉरशिप या फिर दूसरे मरीन्स को ले जाने देगा टू फाइट अ योंग को, वो भी एक ऐसे कैरेक्टर के लिए जिसको खुद फ्लीट एडमिरल चीचा 2 साल पहले मारने वाले थे। तो व्हाट आई थिंक इज कि टीच का प्लान है गार्प को अपने अड्डे में बुला के उसका मर्डर करना, मोर लाइक असैसिनेट करना। लेकिन गार्प तो इतना स्ट्रांग है, कैसे हारेगा वो टीच से? ब्र, टीच उससे 1v1 में लड़ेगा तुमको लगता है? अगर मुझसे पूछोगे कि ब्लैकबेट पायरेट्स या फिर बुढ़ा गार्प, तो मैं ब्लैकबेट पायरेट्स का साइड लूँगा क्योंकि वो लोग हराम खो रहे हैं। गार्प पहले से काफ़ी नर्फ हो चुका है, पूरे बीबी क्रू को अकेले हराना वेरी डिफिकल्ट थिंग। वेल ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा कर ले, मतलब गार्प शायद तो क्या पता भाई पूरे ब्लैकबेट पायरेट्स को पेल दे, बट टीच जो प्लान बना रहा है शायद उसके अकॉर्डिंग वो गार्प को मार देगा। एंड जैसे हानकोक वाला प्लान टीच का हगा गया, गार्प वाला प्लान भी पिट सकता है। बट अगर प्लान सक्सेसफुल हो गया तो टीच 2 मरीन्स के हीरोज़ को एक साथ मार देगा एंड सबकी फिर उससे फटने लगेगी। गार्प को मारने के बाद ऑब्वियसली वो कोबी को भी मारने की कोशिश करेगा ही, बट इधर ऐसा भी हो सकता है कि गार्प मर जाए एंड इन सम वे कोबी बच जाए। कोबी का पता नहीं बट मुझे ऐसा लगता है कि गार्प टीच के हाथों ही मरने वाला है। लेकिन लव, गार्प तो हद स्ट्रांग आदमी है, सिर्फ फेम के लिए टीच उससे लड़ने का रिस्क क्यों लेगा? वो तो स्टूपिड नहीं है ना। वेल, टीच के पास एक और रीज़न है गार्प को मारने का, ज़ेबेक। सबको पता है ना कि ज़ेबेक के डेथ में गार्प का कितना बड़ा हाथ था एंड ये भी सबको पता है ना कि टीच शायद से ज़ेबेक को एडमायर करता है। सो शायद से टीच रिवेंज भी लेना चाहता है गार्प पर ताकि वो खुद को एक ट्रू सक्सेसर बोल सके ज़ेबेक का। एंड टीच का करंट अड्डा वो सेम आइलैंड है जहाँ पर रॉक्स पायरेट्स बना था, तो आई गेस दैट विल बी अ परफेक्ट प्लेस फॉर गार्प्स डेथ। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, एस को मरीन्स को देके भी टीच ने इन अ वे रिवेंज ले लिया रॉजर से। रॉजर खुद मर गया था तो टीच ने उसके सुपुत्र को पकड़ के रॉजर के कर्मों का सजा दिया, समथिंग लाइक दैट। एंड थिंक अबाउट इट, अगर गार्प मर गया तो क्या होगा? मरीन्स तो शॉक में होंगे ही, मरीन्स से ज़्यादा पायरेट्स शॉक में होंगे। लूफी हल्ला गुल्ला करना चालू कर देगा, वो टीच को अपना टारगेट बना लेगा, उधर से रेवो में ड्रैगन डिस्टर्ब हो जाएगा, रेलिक जैसे लेजेंडरी पायरेट्स तक शॉक हो जाएंगे, टीच का बाउंटी रॉजर से भी ऊपर चले जाएगा क्या पता भाई। टीच शायद सबके सामने फिर ज़ेबेक के ट्रू सक्सेसर के रूप में एमर्ज हो जाए, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट की भी उससे फटने लगेगी एंड वो टीच को सबसे बड़ा थ्रेट मानने लग जाएंगे। रॉक्स से तो ऐसे भी फटती थी उनकी। एंड इससे फिर लूफी टीच के फाइट का सेटअप भी होगा। इमेजिन फाइनल वॉर चल रहा है और उसके बीच लूफी एंड शायद से उसके साथ ड्रैगन भी टीच के सामने, एक तरफ से टीच जो कि गार्प के पूरे वंश को मिटाना चाहता है एंड एक तरफ से लूफी और ड्रैगन जो गार्प के मर्डर का, गार्प के असैसिनेशन का बदला लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ सीन हुआ तो क्या मजा आएगा। वैसे याद है ना कि टीच ने स्काइपिया आर्क के बाद ही लूफी को चेस करने का ट्राई किया था। मे बी उसने ऐसा किया था क्योंकि उसको लूफी के बाउंटी को देख के पता चल गया था कि वो गार्प का पोता है। एंड ड्रैगन पे भी टीच ने अटैक किया था। मे बी उसने ऐसा किया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि ड्रैगन कितना स्ट्रांग है एंड क्या वो उसे हरा सकता है या नहीं। एंड अभी मैंने जितना भी बोला ना,
अगर वो एक्चुअल में होता है, अगर एक्चुअल में टीच गार्प को फंसाता है एंड मारने की कोशिश करता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गार्प मर जाएगा। कितना भी स्ट्रांग हो वो, बट वो मर जाएगा, क्योंकि गार्प का अब स्टोरी में कोई बहुत काम नहीं है। दिस इज़ नॉट हिज एरा, एंड गार्प बुढ़ा भी हो गया है काफ़ी। एंड इस चीज़ के होने से हमें गार्प कितना स्ट्रांग है ये भी दिख सकता है। टीच वर्सेस गार्प फुल एक्शन फाइट होगा अगर, तो भाई फुल गार्प का पोटेंशियल दिख जाएगा। भले ही बुढ़ापे में वो बहुत नर्फ्ड होगा, बट फिर भी काफ़ी अच्छा खासा उसके फाइटिंग के बारे में हमें पता चल सकता है। एंड शायद ऐसा कुछ सीन हो सकता है कि एक तरफ गार्प गंदे से इंजर्ड है और एक तरफ टीच और उसकी क्रू दोनों कुत्ते टाइप एक दूसरे को मारे हैं, एंड लास्ट में गार्प ने पहले दम तोड़ दिया। लेजेंडरी डेथ होगा फिर गार्प का भी, जस्ट लाइक वाइट बियर्ड। एंड गार्प के डेथ के कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचने जाओ तो भाई साहब गूज़बम्स आ जाए किसी को भी। वेल दैट्स इट, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा थ्योरी एंड वीडियो। थक गया भाई बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहा। पसंद आया तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बेल आइकन भी दबा दो ताकि तुम मुझे व्यूज़ दे सको। 2022 से पहले 10K करना है तो सब्सक्राइब। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।